छत्तीसगढ़ के चर्चित अंजलि इब्राहिम मामले में आखिरकार हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सखी सेंटर से अंजलि जैन की रिहाई की गई है। जी हां, सखी सेंटर में रह रही अंजलि जैन के बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आई। अंजलि को मर्जी के अनुसार उसके पिता आर्यन आर्य को सौंपा गया, लेकिन अंजलि ने अपनी जान को पिता से खतरे बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। दरअसल 19 मार्च से 9 महीने तक अंजलि सखी सेंटर में रह रही थी। अंजलि को बाहर निकालने से पहले सखी सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई थी। सखी सेंटर आने जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, जिससे कोई अनहोनी ना हो। जी हां, सेंटर से रिहाई के वक्त एसएसपी आरिफ शेख और एसडीएम प्रणव सिंह मौजूद रहे। सखी सेंटर से बाहर निकलने के बाद अंजलि जैन ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से पति के साथ जा रही हूं। थोड़े टाइम के लिए मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे अपने पिता से खतरा है। जी हां, मेरे परिवार वालों से अपील करती हूं, वो इन चीजों को स्वीकार कर लें, जो हुआ वो हो गया, इन चीजों को आप जल्द खत्म करें। जिस प्रकार से लड़ती आई हूं, आगे भी अपनी लड़ाई उसी प्रकार लड़ूंगी और जीतूंगी भी। यह सब होगा ऐसा नहीं सोचा था, पर अब ऐसा हो रहा है। मेरे पिता मुझे आशीर्वाद देकर उसे स्वीकार कर लें। मैं माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को अंजलि के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अंजलि जैन को अपनी मर्जी के व्यक्ति के साथ और अपनी मर्जी की जगह में रह सकती है। अदालत ने जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष अंजलि जैन को सखी सेंटर से मुक्त कराए जाने के निर्देश भी जारी किए, जिसके बाद अंजलि जैन ने पति आर्यन आर्य और मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी के साथ रहने का निर्णय लिया है। जी हां, आपको बता दें कि 33 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी मुस्लिम परिवार से आते हैं और 23 वर्षीय अंजलि जैन परिवार एक जैन परिवार से आती है। दोनों छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इनकी आपस में जान पहचान हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया। फिर 25 फरवरी 2018 को रायपुर के आर्य मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। जी हाँ, शादी के बाद इब्राहिम ने दावा किया था कि उन्होंने शादी से पहले हिंदू धर्म अपना लिया था। इसके बाद अपना नाम आर्यन आर्य रखा था। शादी के बाद से ही मामले में कई पेंच फंसते गए और मामला स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।